जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी। मेरे बच्चों, धन को खर्च करना और संग्रह करना भी एक कला है। धन प्राप्ति की इच्छा रखने वाले जातकों को जीवन काल में सर्वप्रथम प्रातः उठते ही अपनी दोनों हथेलियों को देखना चाहिए और 2 से 3 बार मुंह पर फेरना चाहिए। ऐसे ही बहुत सारे उपाय हैं जिससे धन प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। रात्रि में सोने से पहले रसोई की साफ सफाई करें और कोई भी बर्तन झूठे न रखें। ऐसा करने से घर में कभी अन्न की कमी नहीं आती। घर में प्रतिदिन धूप दीप, आरती और पूजा करें। जब भी किसी के घर जाएं तो खाली हाथ न जाएं। व्यापार आदि के लिए प्रयोग किए जाने वाले बही खातों, नूतन वस्तुओं या पत्रों पर हल्दी अथवा केसर लगाएं। श्री यंत्र को गल्ले में रखें। यदि कोई जरूरतमंद आपके सामने हाथ फैलाए तो अपनी क्षमता अनुसार मदद करें। कभी भी रुपए को गिनने के लिए थूक का प्रयोग न करें। जो लोग ऐसा करते हैं उनके पास से धीरे धीरे लक्ष्मी नाराज होकर जाने लगती है। प्रतिदिन घर में बनने वाली पहली रोटी गाय माता के लिए निकालें। इस उपाय से बहुत लाभ हो सकता है। बैंक में रुपए जमा करवाते समय अपने मन में लक्ष्मी माता का ध्यान जरूर करें। प्रातः भोजन करने से पूर्व साफ सफाई रखें, तभी भोजन करें। कम से कम झाड़ू अवश्य लगाएं। कबाड़ी को शनिवार को पुरानी रद्दी देनी चाहिए। कोशिश करें कि शनिवार को अपने घर, दुकान या कार्यालय में सफाई करवाएं। ध्यान रखें कि कभी भी शनिवार के दिन किसी से किसी तरह का भी उपहार ग्रहण न करें। रुपए पैसे हमेशा 2 स्थानों पर रखें। कोई भी नई वस्तु आने पर सर्वप्रथम उस पर गंगा जल और हल्दी का छिड़काव करें। प्रातः और सायंकाल दोनों समय घर के बाहर मुख्य दरवाजे के पास झाड़ू आदि देकर साफ पानी से छिड़काव करने से घर में धन का आगमन होता है। संभव हो तो घर के आंगन में अशोक का वृक्ष लगाएं और प्रतिदिन उसे सींचें। ऐसा करने से व्यवसाय में वृद्धि होती है। प्रत्येक वर्ष परिवार सहित किसी भी धार्मिक स्थल पर जाएं, वहां अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर व्यापार नौकरी में समृद्धि प्रदान करती हैं। कभी भी मंगलवार, शनिवार और बृहस्पतिवार को बाल और हजामत न बनवाएं और न ही इन दिनों नाखून काटें। गंदे जूते कभी न पहने। यदि पॉलिश वाले जूते हैं तो प्रतिदिन जूतों पर पॉलिश करें। मैले कपड़े कभी न पहने। कपड़े फटे हुए चल सकते हैं, किंतु मैले कपड़े पहनने से आपके जीवन में दरिद्रता आ सकती है। प्रतिदिन सूर्योदय होते ही अपने घर की छत पर जाकर काले तिल डालने चाहिए। ऐसा करने से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। गहनों, विशेषकर सोने के आभूषणों को पीले कपड़े में लपेट कर ही रखना उचित होगा। शुक्रवार को सफेद वस्तुओं का दान करें और हो सके तो सफेद वस्त्र ही पहने। और बेटा, अगर आपको कोई समस्या है तो कमेंट करके बताओ और कमेंट में जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी लिखकर इस वीडियो को लाइक कर दो। और इस तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लो।